नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज संसद में एक मज़ेदार किस्सा हुआ जिसका लबोलवाब ये है कि नफरत फैलाने वाले कई यूट्यूब चैनल के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और फैक्ट चेक के पीछे रह करके कोई समाज में अगर तनाव खड़ा करने का काम करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। ये क्यों हुआ, कैसे इसका जिक्र होता है संसद में, ये सब मैं आपको बताऊंगी। आप पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। तो कौन फैक्ट चेकर और कौन फैक्ट चेक के पीछे रह करके तनाव पैदा करने की कोशिश करता है, इस मामले को आज अनुराग ठाकुर ने संसद में उठाया। दरअसल ये समझना जरूरी है कि कौन फैक्ट चेकर है और कौन दूसरी तरह के अपराध फैक्ट चेक के पीछे रह करके समाज में बदअमनी फैलाने का काम कर रहे हैं। यदि यदि कोई शिकायत करता है तो कानून अपना काम करेगा। आज यानी कि गुरुवार केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में ये बात कही। ये बात उन्होंने पत्रकार मोहम्मद जुबैर विवाद का, उनका जो विवाद है, हालांकि अब वो जेल से बाहर आ चुके हैं, उनके विवाद को लेकर के ये बात उन्होंने कही। एक टिप्पणी के रूप में इस बयान को देखा जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। अनुराग ठाकुर ने संसद को ये बताया कि यदि कोई तथ्यों की जाँच की आड़ में तनाव पैदा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई लाजमी है। और राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने अनुराग ठाकुर से ये सवाल पूछा कि नफरत और घृणा के बयान देने वालों के खिलाफ या तो कोई कार्रवाई नहीं होती या तो सांकेतिक कार्रवाई होती है, लेकिन फैक्ट चेकर के खिलाफ कार्रवाई होती है। इसके जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये समझ लीजिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन फैक्ट चेकर है और कौन दूसरे तरह के अपराध के आड़ में ऐसे काम कर रहा है, फैक्ट चेक के पीछे रह करके समाज में तनाव खड़ा करने का काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये बहुत ज़रूरी है, कोई शिकायत करता है तो कानून अपना काम करेगा और इस पर हमारा मंत्रालय सीधे कोई कार्रवाई नहीं करता है। अच्छा, इंटरनेट के माध्यम से फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े एक सवाल का जवाब भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय समय पर ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाती है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2021-22 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऐसे 94 यूट्यूब चैनल और 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स और 747 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि URL को बंद कर दिया। जो देश के खिलाफ काम करते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की सरकार ने, ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और उन्होंने कहा कि हमें कोई संकोच नहीं है, जो मित्र देश भी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे उनके खिलाफ भी अगर कार्रवाई की तो मोदी सरकार ने की और ये एक अच्छी शुरुआत है। तो दोस्तों, कुल मिला के जो ये फैक्ट चेकर का आजकल एक टर्मिनोलॉजी चल रही है, इसकी आड़ में कोई कुछ भी कर सकता है, वो फैक्ट चेक कर रहा है, चाहे वो गलत काम करे, चाहे वो समाज में बदअमनी फैलाए, लेकिन वो कहता है कि वो फैक्ट चेक कर रहा है। तो इस पे नज़रिया सरकार ने क्लियर कर दिया। आपको ये कंटेंट कैसा लगा, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में भी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।